हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संध्या की शादी उसके प्रेमी रमन से होने वाली थी। शादी की तैयारी जोरों शोरों पर थी और संध्या का साथ देने उसके घर आई थी उसकी दोस्त रिंकी, जो कि उसके बचपन की साथी थी। रिंकी को देखकर संध्या बहुत खुश हुई थी और उसके आते ही उसे गले लगाकर बोलती है, तो मैडम शादी के एक हफ्ते पहले आ रही हैं, जबकि मैंने तुझे महीना भर पहले आने को बोला था। यार तुझे तो पता है मेरा काम, अब तेरी दोस्त फैशन डिजाइनर है, बहुत काम होता है उसके पास। खैर ये छोड़, मैं तेरा डिजाइनर लहंगा ले आई हूँ, देखियो शादी में तो सबसे खूबसूरत लगेगी और रमन तुझे देखते ही रह जाएंगे। अब मेरी शादी होने वाली है तो तू अब रमन नहीं बल्कि जीजू बोलने की आदत डाल ले। संध्या और रिंकी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से रमन आता है और रिंकी को देखकर बोलता है, लो जी आ गई मेरी साली साहिबा। वैसे रिंकी जल्दी नहीं आ गई तुम? अरे तुम्हें तो संध्या के साथ महीने भर पहले से रहना चाहिए था, वैसे तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। मिस्टर रमन शायद तुम भूल रहे हो कि मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, तो मेरी ड्रेसेस अच्छी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तुम इस फैशन डिजाइनर मेरे लिए कुछ डिजाइन किया या नहीं? तुमको भूल जाऊँ ऐसा थोड़ी होगा, अब के समय की सबसे ट्रेंडी शेरवानी मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन की है, रुको अभी दिखाती हूँ। रिंकी रमन को उसकी शेरवानी दिखाती है और दोनों आपस में बातें करने में इतना खो जाते हैं कि उनको संध्या का ख्याल ही नहीं रहता, जिसकी वजह से खुद संध्या उनकी बातों को बीच में टोक कर बोलती है, कोई मुझे भी देख लो आपस में ही लगे हुए हो। ओह सॉरी बेबी, माफ करना मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। क्या करूँ ये रिंकी ना अपनी बातों के आगे सब कुछ भुला देती है। सब कुछ भूल जाओ लेकिन मुझे भूले तो तुम्हारी खैर नहीं है। ओहो अभी से धमकी, सही है काबू में रख अपने होने वाले पति को, कहीं हाथ से निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी। इतने में ही वहाँ संध्या की माँ अमृता आती है और वो रमन और रिंकी को देख कर बोलती है, अरे रिंकी बेटी तुम आ गई, और दामाद जी आप कब आए? बस माँ अभी आया, वैसे क्या हुआ आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे बेटा वो संध्या की हल्दी और मेहंदी का लहंगा सिलने वाला दर्जी अपने गांव जा रहा है, तो उसने फोन कर कहा कि आधे घंटे में ही ले आओ वरना मैं चला जाऊंगा तो फिर दो हफ्ते बाद आऊंगा। अब बता इस समय मैं किसको भेजूं? इतनी सी बात माँ, रुको मैं लेकर आता हूँ। रिंकी तुम भी चलो साथ, लहंगे में कोई दिक्कत हुई तो उसी समय उसको झाड़ना, आखिर तुम्हारा सिलाई सीखना कहीं तो काम आए। वो फैशन डिजाइनिंग है सिलाई नहीं, खैर चलो आप चिंता मत करो आंटी हम लेकर आते हैं। रिंकी और रमन वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर में दोनों हंसते खिलखिलाते हुए लहंगे लेकर आते हैं। उनको आपस में ऐसे हंसते देखकर संध्या का मुंह सा बन जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और हल्दी व मेहंदी के फंक्शन में भी रमन अपने ससुराल आता रहता है। ये देखकर मेहंदी वाले दिन संध्या रमन से बोलती है, रमन रोज यहाँ क्यों आ रहे हो? पता है ना शादी वाले घर से लड़की को निकलना नहीं चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, मैं नहीं मानता इसको, क्यों रिंकी? हाँ सही कहा, वैसे ये मेहंदी कैसी लग रही है मेरे हाथ पर रमन? खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रमन को रिंकी की तारीफ करता देखकर संध्या के तन बदन में आग लग जाती है और वो जानकर रिंकी की मेहंदी खराब करके बोलती है, ओ सॉरी यार मैंने तो देखा ही नहीं, माफ कर दे तेरी तो सारी मेहंदी खराब हो गई, सो सॉरी यार। अरे संध्या ये क्या किया बेचारी की मेहंदी खराब कर दी, थोड़ा देख कर करा करो ना। जान कर तो नहीं की ना, गलती से हुई है और तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे तुम लड़ो मत मैं ठीक हूँ, तुम बैठो मैं इस मेहंदी को धोकर आती हूँ। रिंकी अपनी मेहंदी साफ करने वॉशरूम की तरफ जाती है तो वहीं रमन भी फोन का बहाना करके उसकी तरफ जाता है और वॉशरूम जाती रिंकी को रोक कर बोलता है, रिंकी रुको सॉरी यार संध्या की वजह से तुम्हारी मेहंदी खराब हो गई। इट्स ओके रमन, मुझे मेहंदी खराब होने का दुख नहीं है, लेकिन उस जगह मैंने तुम्हारा नाम लिखा था छुपाकर, वो भी खराब हो गया। डोंट वरी जान, मेरा नाम तुम्हारे दिल पर है और तुम्हारा मेरे दिल पर, और क्या चाहिए पता है मैं कभी कभी कोसता हूँ खुद को कि मैंने संध्या को प्रपोज क्यों किया था कॉलेज में, अगर तुम मुझे पहले मिलती तो मैं कभी उससे शादी नहीं करता। अब मेरे घर वालों को सबको संध्या के बारे में पता था, इसीलिए मुझे अब उससे शादी करनी पड़ रही है। जानती हूँ रमन, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम संध्या का दिल तोड़ो क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। रिंकी आगे कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ संध्या तालियां बजाते हुए आती है और उन दोनों को घूरते हुए बोलती है, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे, मेरी ही सहेली मेरी सौतन बनी बैठी है और मुझे पता भी नहीं था। छी रिंकी मुझे तो उससे ये उम्मीद नहीं थी। संध्या रिंकी को कुछ मत कहो, ये सब सिर्फ उसकी मर्जी नहीं मेरी भी थी, मैं तुम्हारे होते हुए भी उसके साथ रिश्ते में था,
क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो शादी तोड़ दो। मैं तो वैसे भी रिंकी से शादी करना चाहता हूँ। नहीं संध्या, शादी मत तोड़ो। देखो दोनों परिवार की इज्जत दांव पर लग जाएगी। तुम कहोगी तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा रिंकी। मेरे से दूर जाने की सोचना भी मत, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। संध्या ये सब सुनकर सदमे में चली जाती है और रोते हुए अपने कमरे में खुद को बंद करके बैठ जाती है, जहाँ वो खुद से बोलती है, मैं रमन के बिना नहीं रह सकती, लेकिन वो रिंकी के बिना नहीं रह सकते। मेरे पास अब एक ही रास्ता है, अब मुझे अपने साथ अपनी सौतन को दहेज में ले जाना पड़ेगा। दुनिया के सामने तो कम से कम मैं ही रमन की पत्नी होंगी, घर के अंदर भले ही इस रिश्ते की सच्चाई कुछ और होगी। संध्या के कमरे के दरवाजे पर खड़े रमन और रिंकी उसको बाहर आने को बोलते हैं। इतने में वहाँ अमृता आ जाती है और ऐसे दोनों को संध्या का दरवाजा बजाते देखकर बोलती है, क्या हुआ बच्चों, ऐसे दरवाजा क्यों बजा रहे हो? कुछ हुआ है क्या? संध्या अंदर है क्या? कुछ नहीं आंटी, वो संध्या की पसंदीदा मेहंदी नहीं लगी तो वो गुस्से में अंदर चली गई। ये लड़की भी ना। इतने में ही संध्या कमरे से बाहर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं रिंकी को अपने ससुराल साथ ले जाना चाहती हूँ। पागल है क्या तू, ये क्या कह रही है? रिंकी तेरी दहेज है क्या जो तेरे साथ जाएगी? मुझे नहीं पता, मैं इसको साथ लेकर जाऊंगी। रिंकी तुम बोलो, तैयार हो इसके लिए? संध्या पागल हो गई हो तुम? अरे ठीक है संध्या, तुम्हें सचाती हो तो ऐसा ही होगा। बस रिंकी हमारे साथ चलेगी। माँ आप नीचे चलो, हम अभी आते हैं। संध्या को रिंकी से बहुत लगाव है तो कोई नहीं, हम रिंकी को ले जाएंगे अपने साथ। रमन की बात मानकर अमृता तो नीचे चली जाती है, जिसके बाद संध्या रमन से बोलती है, रमन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैं अपनी सौतन को अपने साथ दहेज में लेकर आऊंगी, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। बस तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम एक पत्नी होने के हक जिंदगी भर मुझे ही दोगे, मैं तुम्हारी बीवी रहूंगी, ये नहीं। अगर रिंकी मेरी आंखों के सामने मेरे साथ रहेगी तो मुझे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस रिंकी से दूर नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो रमन, लोगों को पता लगेगा तो क्या कहेंगे, मैं कोई सामान नहीं हूँ जो दहेज में साथ चलूं। ये सब तो तुमको तब सोचना चाहिए था ना, जब मेरे रमन की जिंदगी में होते हुए भी तुम उससे मिलती रही, उससे प्यार कर बैठी। इसलिए अब मुझे रमन चाहिए और रमन को तुम, तो तुम्हें चलना ही होगा मेरे साथ, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से रमन मुझसे दूर हुए तो मैं अपनी जान दे दूंगी और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। इतना बोलकर संध्या मेहमानों के बीच चली जाती है और परेशान रिंकी को रमन समझाते हुए बोलता है, देखो रिंकी मैंने तुमसे प्यार किया है और मैं संध्या के साथ भी गलत नहीं कर सकता, इसीलिए हम तीनों के लिए यही सही रहेगा, बाकी अपने परिवार को मैं संभाल लूंगा, अब चलो बाहर। इतना बोलकर रमन भी वहाँ से चला जाता है और रिंकी पर कोई रास्ता नहीं होता संध्या की बात मानने के सिवा, क्योंकि वो रमन से प्यार करने से पहले ही दो जिंदगियां बर्बाद कर चुकी थी। इसीलिए दो दिन के अंदर रमन और संध्या की शादी धूमधाम से होती है। साथ ही संध्या के ससुराल में उसके साथ उसके दहेज में सामान के साथ आती है उसकी सौतन, जिसे अब जिंदगी भर उसे झेलना था। अंश और सूरज बचपन के दोस्त थे, वैसे तो उन्होंने दुनिया भर की हर खूबसूरत जगह को देखा था, लेकिन अगर कुछ नहीं देखा था तो बस आगरा का ताजमहल। एक दिन अंश सूरज के घर का दरवाजा बजाता है, जिसके कई देर बाद में सूरज दरवाजा खोलता है और वो अंश को देखकर उसे बोलता है, यार आज तो छुट्टी है, सोने दे, क्या सुबह सुबह तंग कर रहा है? यार कितना सोएगा, कुंभकर्ण की औलाद है क्या? सोऊं ना तो क्या करूं, तू बता। यार ऑफिस की ना दो दिन की छुट्टी है, चलना यार कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ जाएंगे यार? क्लब जाएंगे, टाइम पास करेंगे, और अगर ये नहीं तो टीवी पर कोई मैच आ रहा होगा वो देख लेंगे। कितना बोरिंग हो गया है यार तू, अपनी उम्र से भी ज्यादा। चल एक काम करते हैं, वहाँ चलते हैं जहाँ आज तक नहीं गए हम। कहीं तो उस जगह की तो नहीं बोल रहा जो मैं सोच रहा हूँ? वही जो तू सोच रहा है, आगरा का ताजमहल। अब करी ना तूने मेरे दोस्त वाली बात, बता कब चलें? अरे सोचना क्या है, तू सामान पैक कर, हम आज रात को निकल जाएंगे, चल जल्दी कर। सूरज और अंश दोनों अपना सामान पैक करते हैं, जिसके बाद वो रात की बस लेकर आगरा के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में अंश सूरज से बोलता है, यार सूरज तुझे पता है आगरा के पेठे कितने मशहूर है यार, तूने कभी खाए भी हैं? यार मैं आगरा पहली बार जा रहा हूँ तो पेठे क्या खाऊंगा? अरे भाई कभी किसी रिश्तेदार ने तो गलती से खिलाए होंगे तुझको। अरे कैसी बात कर रहा है, अगर ऐसा होता तो मैं तुझे बता देता, मैंने नहीं खाए कभी यार, कभी भी नहीं। दोनों
बातें करते करते आगरा पहुंचते हैं और एक होटल में आराम करने के लिए रुकते हैं, जिसके बाद में अगली सुबह सूरज अंश को जगाते हुए बोलता है, उठ यार, ताजमहल देखने नहीं जाना क्या? वैसे तो तूने यहाँ आने तक मेरी जान खा ली थी। चले जाएंगे ना यार, थोड़ा और सोने दे, अभी बहुत नींद आ रही है। नहीं, जरा नहीं, चल उठ, हम यहाँ घूमने आए हैं, सोने नहीं। सूरज अंश को खूब जगाता है, लेकिन अंश टस से मज भी नहीं होता, जिसके बाद अंश सूरज से बोलता है, एक काम कर, तू ना मार्केट घूम के आ और मेरे लिए भी आगरा के पेठे ले आइयो, फिर शाम को ताजमहल देखने चलेंगे, रात को तो बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा यार वो। अच्छा, और तू इतने क्या करेगा? मैं तो सो रहा हूँ, जरा आगरा की नींद भी लेके देखूं कितनी प्यारी आती है। पता नहीं मैं तुझे अपने साथ लाया ही क्यों। इतना कहकर सूरज अपना वॉलेट लेकर मार्केट घूमने चला जाता है और बोलता है, यार आगरा के पेठे तो मुझे भी खाने हैं, पर कहाँ से लूँ। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत हाथ पर जाती है जो चूड़ियों से भरा था, और उसके कानों में एक सुरीली आवाज़ सुनाई देती है, पेठे ले लो पेठे, आगरा के मशहूर पेठे, जो एक बार खाए वो हजार बार आए। सूरज उस आवाज़ को सुनकर बेसुध उसकी तरफ बढ़ता है। तभी पेठे बेचने वाली संध्या सूरज से बोलती है, आओ साहब आओ, बताओ कितने किलो पेठा पैक करूं? सूरज संध्या को देखकर कुछ नहीं बोलता, बस उसे घूरता रहता है, जिसके बाद संध्या बोलती है, अरे साहब बताओ ना कितना चाहिए, फालतू में टाइम खराब मत करो। जी मुझे 5 किलो पेठा पैक कर दो। संध्या सूरज के लिए 5 किलो पेठे पैक कर देती है, जिसके बाद सूरज उसे लेकर होटल आता है। संध्या की याद में वो 5 में से 2 किलो पेठे तो रास्ते में ही खा लेता है, और उसे देखकर अंश बोलता है, अरे भाई कहाँ था, इतनी लेट क्यों आ रहा है, तुझे घूमने भेजा था, वहाँ बसने नहीं भेजा। भाई तेरे लिए पेठे लेने गया था, पूरे 5 किलो लेकर आया हूँ। अबे क्यों झूठ बोल रहा है भाई, ये ज्यादा से ज्यादा भी 2 किलो भी नहीं लग रहा मेरे को तो। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत खा लिया मैंने, यही 1-2 किलो। अब ये आगरा के पेठे हैं, इतने टेस्टी लग रहे थे, मुझसे रहा ही नहीं गया। शाम होने पर अंश और सूरज मिलकर ताजमहल देखने जाते हैं, जिसके बाद अंश सूरज से बोलता है, यार ये ताज कितना सुंदर है, जैसे इसे चांदी से धोया हो। सुंदर तो है, पर इसका नाम पता चल जाता ना तो दिल को चैन आ जाता। नाम? अरे भाई ताजमहल तो नाम है इसका, इसमें क्या सोचना। अरे रुक, कोई भूत भूत तो नीचे पड़ गया तुझको। भूत नहीं, भूतनी यार। सूरज अंश को सारी बात समझाता है, जिसके बाद अंश बोलता है, यार तू सब तो जानता है फिर भी। जानता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता, बस उसका नाम जानना चाहता हूँ बस। अच्छा अच्छा ठीक है, ये गंदा समूह मत बनाया कर मेरे आगे, अब तू देखियो मैं कैसे उसका नाम पता करता हूँ। सूरज अंश को उसी दुकान पर लेकर जाता है जहाँ संध्या काम करती है, जिसके बाद अंश संध्या के पास जाता है और उसे बोलता है, बहन जी जरा 5 किलो पेठे तो दे देना। पर आज सुबह ही तो 5 किलो पेठा लेकर गए थे। तो क्या 10 किलो पेठे खरीदना गलत है? हाँ साहब, आपकी बात तो ठीक है, आपकी मर्जी है, 10 किलो लो या 50 किलो या पूरी दुकान ले लो। तो चलो अब जल्दी से ना हमारे पेठे पैक कर दो, वरना हमारी बस मिस हो जाएगी। संध्या पेठे पैक करती है और सूरज किसी मासूम बच्चे की तरह बस संध्या को देख रहा था, जिसके बाद अंश संध्या से बोलता है, वैसे आपका नाम क्या है बहन जी? अरे आप पेठे लेने आए हैं तो वो लीजिए ना, मेरे नाम में क्या रखा है। अरे दीदी आपकी शक्ल मेरी बहन से मिलती है, उसका नाम सीता है, और अगर मैं आपको बीता नाम से बुलाऊंगा जो कि आपका नाम है ही नहीं, तो आपको कैसा लगेगा। अच्छा ठीक है, वही तो मैं सोचूं कि आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं। मेरा नाम संध्या है। कितना प्यारा नाम है, लेकिन ज्यादा प्यारी ये है, कितनी क्यूट स्माइल है इसकी। वैसे दीदी आपका नाम तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी तरह। संध्या पेठे पैक करके दे देती है, जिसके बाद में अंश सूरज से बोलता है, अबे चल अब बस का टाइम हो गया है, यहाँ क्या कर रहे, अगर ये बस छूट गई ना तो 3 घंटे बाद आना पड़ेगा। अंश और सूरज बस की तरफ बढ़ते हैं और संध्या को छोड़ के जाने के गम में सूरज बहुत उदास हो जाता है,
जिसके बाद सूरज भारी मन से अंश को बोलता है, थैंक्स यार, तू मेरा सच्चा दोस्त है। अगर तू मुझे यहाँ न लाता तो मैं कभी नहीं मिल पाता इससे। अरे थैंक्स थैंक्स बोल के ना मेरी बेइज्जती मत कर। तेरे लिए एक क्या मैं 100 लड़कियों के नाम पता कर दूं? ना ही मैं संध्या का नाम जान पाता और ना ही जाते हुए उससे मिल पाता। बस बस पगली, अब रुलाएगी क्या? टाइम देख ले एक बार, कितनी रात हो गई है, और भूल जा उस लड़की को और दिल्ली जाकर पुरानी जिंदगी शुरू कर अपनी। इतना कहते ही अंश बस में चढ़ जाता है, जिसके बाद अंश और सूरज अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और सूरज खुद से बातें करते हुए बोलता है, शायद हमारा साथ इतना ही था। मैं सूरज हूँ, तुम संध्या, हमें तो कुदरत ने ही जुदा रखा है, फिर ये दुनिया कैसे मिलने देती। काश तुम मुझे मेरी शादी से पहले मिली होती तो मैं कभी तुमको खुद से दूर नहीं जाने देता। सूरज सोच सोच कर सो जाता है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आता है। दोस्त, असल में सूरज शादीशुदा था। अंश और सूरज छुट्टी पर आगरा का प्लान बनाते हैं, जहां जाकर सूरज को संध्या से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ना वो कभी आगरा को भूल पाया और ना ही कभी आगरा के पेठे वाली को। पर क्या कहें, होता है, जिंदगी है, जीना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।